हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ब्लॉगिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो जैसे कि अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं स्नान करके आज मैंने साड़ी पहनी है। तो मैं आप लोगों को आज मतलब अब मैं भी फ़िलहाल गांव में हूँ, तो गांव में किस टाइप से पूजा करते हैं, यहाँ की मंदिर कैसी होती है, तो उस टाइप की मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने वीडियो में। तो मैंने स्नान करके अभी तुरंत जस्ट आई हुई हूँ, तो अब आगे मैं थोड़ी बहुत मेकअप करके मैं आज मंदिर जाने वाली हूँ अपनी मम्मी के साथ में। तो मैं आज आप लोगों को ब्लॉगिंग में पूरी तरह से दिखाऊंगी कि गांव में कैसे, मेरे गांव में कैसे मंदिर है, यहाँ कैसे लोग पूजा करते हैं। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना हो सके मेरी वीडियो को प्यार दीजिएगा। तो चलिए थोड़ी बहुत मैं मेकअप कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि सबसे पहले सिंदूर पहना जाता है, जिनकी शादी हो गई है तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेकेंडली मैं थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर में ना यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो थोड़ा बहुत मैं बहुत लाइट ही मेकअप रखूँगी, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं हो कि गर्मी में जाए और मेरा मेकअप निकलने लगे। तो मैं हल्का सा यहाँ पर टोनर और मॉइस्चराइज़र, और अब मैं थोड़ा सा प्राइमर लगा रही हूँ प्राइमर। और मैं थोड़ी सी ना आज मैं फाउंडेशन बहुत हाई मेकअप नहीं करने वाली हूँ, थोड़ी सी सीसी क्रीम और थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं फाउंडेशन लेकर के दोनों को मिक्स करके मैं आज अपना मेकअप करने वाली हूँ। तो फाउंडेशन लगाने से पहले सबसे पहले उसको अपने हाथों पे मैं दोनों को लेकर के मिला लेती हूँ, उसके बाद अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करूँगी। तो आप लोग भी जब भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाउंडेशन ही लगाया जाता है, सीसी क्रीम के साथ अगर जो थोड़ा सा अच्छा और लुक देना है, मतलब सीसी क्रीम भी आप लगा सकते हैं, बट सीसी क्रीम के अलावा भी थोड़ा सा उसमें फाउंडेशन मिला देंगे, वो भी वैसा फाउंडेशन जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो आपके ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी आईब्रोज़ को भी ठीक कर ली, चूँकि मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं अपने आईब्रोज़ को थोड़ी सेट कर रही हूँ। तो आईब्रोज़ के बाद अब मैं थोड़ी सी लाइनर लगा लेती हूँ, बहुत ही लाइट सा लगाने वाली हूँ, बहुत हैवी सा कोई भी मैं अपना लुक क्रिएट नहीं करूँगी, चूँकि ना मंदिर जाना है तो मतलब थोड़े से अपने लुक को अच्छा दिखाना है, अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करना है। तो थोड़ी सी मस्कारा लगा करके बहुत एकदम थिन लाइन सी मैं काजल लगा लूँगी, और फिर लास्ट में जैसे कि सबको पता है बिना लिपस्टिक का पूरा फेस अधूरा है, तो मैं यहाँ पे अपनी लिपस्टिक लगा रही हूँ। बहुत किसी का कमेंट आता है, दीदी आप कौन सा ले? तो आज मैं बता दूँ, मैं मार्केट से लिपस्टिक खरीदती हूँ, तो मेरी आज मन हो गई है थोड़ी झुमके पहनने की, तो मैं छोटी छोटी से झुमके यहाँ पे पहन ली। तो मैं यहाँ पे फुल्ली तरीके से रेडी हो गई और थोड़ी बहुत पिक्चर अपनी मम्मी के साथ क्लिक करवा ली। तो यहाँ पे चली मैं मंदिर, तो मंदिर मेरे घर से थोड़ी सी दूर पे है, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट मेरे गांव में ही है। बट गांव में एक होता है ना कि थोड़ा सा जहाँ पे एरिया थोड़ा ज़्यादा हो वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है और बिना स्लीपर का सैंडल का आपको पैदल जाना पड़ता है। तो मेरे भाई यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी और मेरा भाई तीनों, हम तीनों मिल करके जा रहे हैं मंदिर। तो ये मेरे गांव की कुछ कुछ गलियां हैं जिससे होकर के मुझे मंदिर जाना होता है, तो जो गांव से मतलब रिलेट करते हैं वो इस जगह को समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे जो मायके है और मेरा ससुराल भी जो है वो गांव में ही है, तो बट मैं रहती हूँ बाहर में हूँ, तो यहाँ पर देखिए गाँव में किस टाइप की मंदिर होती है। तो ये ना बहुत पहले की मंदिर है, आज की नहीं, जब से मेरी जन्म हुई होगी आई थिंक तब से मैंने ऐसे ही मंदिर देखा है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये छोटी सी एक मंदिर है जो कि बहुत मतलब यहाँ से ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बचपन में भी मैं यहाँ पे मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी, मेरी मम्मी यहाँ पे फूल उल निकाल रही है, और ना ये जो चंदन है बनाने वाली ये बहुत पहले से है। जब भी मैं बचपन में भी जाती थी, जब मैं बहुत छोटी थी तब भी जाती थी, तो ऐसे ही चंदन घिसती थी। और यहाँ का थोड़ा बहुत लोकेशन देख लीजिए, ये ना इसे हम लोग पोखर बोलते हैं, जहाँ पे पानी, यहाँ छठ पूजा होता है। यहाँ पे मंदिर में ना, ऐसे तो मैं ज़्यादा पूजा करने वहाँ जाती नहीं हूँ, बट छठ पूजा में एक बार वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि सब पूरे गांव का छठ पूजा वहीं पे होता है
और बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत बेलपत्र को जो होती है उसे मैं तोड़ करके पूजे के लिए रख रही हूँ। तो ना गांव की जो एक मतलब वाइफ आती है ना बहुत अच्छी आती है, बहुत फ्रेश, क्योंकि ना यहाँ पे आपकी बहुत सारी यादगार चीज़ जुड़ी हुई होती है और आप उससे ना रिलेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पूजा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं, मम्मी और वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज ना लास्ट सोमवार ही थी, तो बहुत कोई हर कोई वहाँ पे पूजा करने के लिए जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया, बट जितनी सी बनाई मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। तो जितने हो सके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं था क्योंकि बहुत लोग थे, इसके वजह से ना बहुत कम ही मतलब वीडियो बनाई। और बहुत छोटे से एरिया में है और पूरे गाँव का, आस पास के गाँव का भी लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए आती है। तो यहाँ पे मैं पार्वती माँ को सिंदूर कर रही हूँ और मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर ली। पूजा करने के बाद ना मतलब कि मेरे गांव के पास में जो थोड़े से टाउन एरिया है वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, तो मैं चाहती तो वहाँ पर भी जा सकती थी, बट मुझे ना अपने गांव के मंदिर जाना, मतलब मैंने सोचा कि वहाँ पे जाती हूँ क्योंकि वहाँ फिर पता नहीं कब मौका मिले नहीं मिले, इसलिए मैंने ना वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा समझा। तो मैं वहाँ पे गई और मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत ना वहाँ की लोकेशन दिखा देती हूँ, तो जो गांव से होंगे ना उस इस चीज़ को ज़रूर अपने से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि गांव में अक्सर इसी टाइप का लोकेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से अपने गाँव के मंदिर दिखा दी। तो अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।